हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं थ्योरी पार्ट। इस बुक का सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, थ्योरी के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग है। फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स भी हो चुके हैं और आज हम करेंगे सेकेंड चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जिसमें सबसे पहले हमें करना है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। शॉर्ट में हमें सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, विच किंगडम डू बैक्टीरिया बिलोंग टू, कौन सी किंगडम से बैक्टीरिया बिलोंग करता है। ठीक है, इट बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, इट बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। हु गेव फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था गाइस, विटेकर ने दिया था। हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसे बोलते हैं, कौन जाना जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से, कार्ल लिनेयस। कौन, कार्ल लिनेयस। नेक्स्ट इज नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ अमीबा, अमीबा के लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, यानी कि जिससे मूवमेंट कर पाते हैं, अमीबा मूवमेंट कर पाता है वो कौन सा है, स्यूडोपोडिया। क्या नाम है इसका, स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है, व्हेन, इसका आंसर आएगा व्हेन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, जब साइटोप्लाज्म दो डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म है आपका और ये यहां से टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, वो प्रोसेस जिससे हम फूड ऑब्टेन करते हैं, कौन ऑब्टेन करता है, हम नहीं, अमीबा, फूड कौन ऑब्टेन करता है, अमीबा फूड ऑब्टेन करती है, इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा, वो प्रोसेस जिससे अमीबा फूड अपना ऑब्टेन करती है और फूड बनाती है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स क्या होते हैं, व्हेन सम हाइफे इन फंजाई, जब फंजाई में जो हाइफे होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो उन हाइफे को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स। वेयर डू मोल्ड यूजुअली ग्रो, जो मोल्ड होते हैं, ब्रेड मोल्ड होते हैं, वो यूजुअली कहाँ पर ग्रो करते हैं, ऑन रोटन फूड मटेरियल, जो खाना सड़ जाता है, खराब हो जाता है, उस फूड मटेरियल पर मोल्ड ग्रो करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ना, व्हाइट सी लेयर से आने लगती है, वो खराब हो जाता है फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स, हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, इनके इतने सारे टाइप्स हमने क्यों पढ़े, बिकॉज करंटली आज तक की डेट में देयर आर अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स, अबाउट हमारी कंट्री में, होल कंट्री में आज की डेट तक काउंटेड कितने हैं, 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और ये सभी जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सो वी हैव टू क्लासीफाई देम, क्योंकि सेपरेट सेपरेट सबकी स्टडी करना तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं और एक कैटेगरी में क्या करते हैं, एक कैटेगरी में एक तरह के ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, जिससे उनके सभी फीचर्स को हम इजीली क्या कर पाए, स्टडी कर पाए, इसीलिए क्लासिफाई करना जरूरी था ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि वाइड वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम एनी टू फंजाई, दो फंजाई के एग्जाम्पल्स देने हैं, दैट इज थ्रेड लाइक फंजाई होती है और एक होती है क्लब फंजाई। ठीक है, एक तो होती है धागे की जैसी होती है फंजाई, थ्रेड मीन्स धागा होता है ना, धागे की जैसी हो गई, और एक क्लब फंजाई जो ऐसे मशरूम्स पे होती है, इस टाइप की होती है ना, क्लब के जैसे होती है, वो उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स, प्लांट्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन देखा जाता है, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होता है, प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, अपना खाना खुद वहीं पर बनाते हैं। ठीक है, मूव तो नहीं करते बट अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है, तो ऑटोट्रॉफिक होता है जो खुद बनाते हैं अपना खाना, ऑटो बनाते हैं, ऑटो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन राइजोइड्स, राइजोइड्स क्या होते हैं, When some hyphae grow in downward direction as roots, जब कुछ hyphae roots की form में downward direction में क्या करते हैं, grow करते हैं, तो उन्हें हम rhizoids बोलते हैं। क्या बोलते हैं, rhizoids बोलते हैं, bread molds में ये grow करते हैं, किसमें, bread molds में। तो जब hyphae आपके upward direction में grow करते हैं, उन्हें हम sporangiophores बोलते हैं, और जब कुछ hyphae आपके downward direction में move करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, rhizoids बोलते हैं।
नेक्स्ट, अब आते हैं, हमने कर लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, अब करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। इन क्वेश्चंस को आपको डिटेल में एग्जाम आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स नीडेड। ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी, क्यों करा हमने ये क्लासिफिकेशन। एक्सप्लेन सम एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब कुछ इस क्लासिफिकेशन के कुछ एडवांटेजेस दीजिए। ठीक है, आंसर क्या आएगा, देयर इज अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अवर अर्थ। हमारी अर्थ पर वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारी वैरायटी। अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ा 1.7 टू 1.8 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और वो सभी एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। सो वी नीडेड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स, इसलिए हमें उन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, दो ही रीजन है, क्योंकि वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है हमारी अर्थ पर प्रेजेंट, और डिफरेंट है, वो सभी ऑर्गेनिजम्स आपस में बहुत डिफरेंट है, इसीलिए हमें क्लासिफाई करना जरूरी था। इसके बाद हमें क्या बोला, सब एडवांटेजेस आपको इस क्लासिफिकेशन के देने हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदा हुआ हमें इस क्लासिफिकेशन से, इट मेक्स द स्टडी ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजी। जो हमारी अर्थ पर इतनी वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसकी स्टडी इजी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इट प्रोजेक्ट्स बिफोर अस अ पिक्चर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स एट अ ग्लांस। जैसे अभी बताया ना, एक कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनके फीचर्स सेम होते हैं। जैसे सारी बर्ड्स की एक कैटेगरी में आती है ना, सारे फोर लेग्ड एनिमल्स एक उसमें आ गए कैटेगरी में, फोर लेग क्या, सब फोर लेग्ड एनिमल्स ही होते हैं। तो एक तरह के एनिमल्स सारे इसी में आ गए, जैसे रेप्टिलियाज अलग हो गए, एवीज अलग होंगी, पिसेस अलग हो गए, तो ये सभी इनमें जो भी वो आएंगे उनके सभी फीचर्स हम एक साथ पढ़ सकते हैं, एक ग्लांस में पढ़ सकते हैं, एक ग्लांस में हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। इट फॉर्म्स अ बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंसेज। और क्लासिफिकेशन पढ़ने से हमारा एक बेस रेडी हो जाता है, एक बेस बन जाता है, किस लिए, जिससे हम दूसरी बायोलॉजिकल साइंसेज को डेवलप कर सकें और उन्हें पढ़ सकें। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जरूरी है क्लासिफिकेशन, क्योंकि इससे हम जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इंटर रिलेशन, उनका आपस में क्या रिलेशन है, हम वो भी इजीली समझ सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आपसे पूछा है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स बताने हैं आपको, एंड उसके टू एग्जांपल्स देने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा आपके, दे आर यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर होते हैं, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है गाइस, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, दोनों तरह का हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक है किंगडम प्रोटिस्टा का, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर आपसे पूछा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के दो एग्जांपल्स क्या है, डायटम्स एंड प्रोटोजोअन्स, डायटम्स एंड प्रोटोजोअन्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन इन अमीबा। अमीबा का लोकोमोशन बताइए और रिप्रोडक्शन बताइए, कि लोकोमोशन यानी मूवमेंट कैसे करता है अमीबा और रिप्रोडक्शन कैसे करता है। सो इसका आंसर क्या आएगा, द लोकोमोशन इन अमीबा, अमीबा में जो लोकोमोशन होता है टेक्स प्लेस बाय स्यूडोपोडिया। कहां, किसकी मदद से होता है, स्ययूडोपोडिया। ये क्वेश्चन हमने किसमें पढ़ा था, शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा था अभी। तो ये जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, क्योंकि अमीबा करता है तो अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। सो जो लोकोमोशन अमीबा टेक प्लेस करता है, जो अमीबा में लोकोमोशन होता है, वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट की डायरेक्शन, की अमीबा जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है, कि साइटोप्लाज्म में फ्लो कितना, फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो अमीबा में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसका फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। दे कैन एक्सटेंड स्यूडोपोडिया इन एनी डायरेक्शन, जो अमीबा होता है वो एक्सटेंड कर सकता है स्यूडोपोडिया को किसी भी डायरेक्शन में, टू एंगल देयर प्रे, जहां उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर साइटोप्लाज्म का फ्लो होगा, और अपना प्रे एंगल्फ करेगा, एंगल्फ यानी इंजेस्ट करेगा, अपने प्रे को, अपने शिकार को लेगा, एंड स्यूडोपोडिया हेल्प्स देम इन न्यूट्रिशन, और स्यूडोपोडिया क्या करता है, उन्हें न्यूट्रिशन लेने में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया इसका लोकोमोशन के बारे में। अब आता है रिप्रोडक्शन के बारे में। लोकोमोशन तो बहुत इजी था, छोटा सा था,
रिप्रोडक्शन भी इजी है अमीबा का, बट थोड़ा सा लेंदी है। तो इसमें क्या होता है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब उसे जैसी कंडीशंस चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए वैसी कंडीशंस मिल जाती हैं, उसके फेवर में कंडीशंस होती हैं, तो जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है फेवरेबल कंडीशंस आने पर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। इस प्रोसेस में क्या होता है, दो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती है, दो डॉटर सेल्स बनती हैं दैट ग्रो एंड स्प्लिट टू प्रोड्यूस मोर न्यू सेल्स। टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, दो डॉटर सेल्स बनती हैं जो ग्रो करती हैं और स्प्लिट करती हैं टू प्रोड्यूस मोर न्यू सेल्स। स्प्लिट होकर यानी कि ब्रेक हो जाती हैं और उससे आगे और न्यू सेल्स बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके एक ये डॉट सॉरी ये मेन सेल हो गया आपका साइटोप्लाज्म में, इससे दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी। ठीक है, दो बनी, फिर ये वाली और दो बनाएगी अलग। ठीक है, ये वाली अलग दो बनाएगी, ये ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। फिर ये वाली दो बनाएगी, ये भी दो बनाएगी, ये भी दो बनाएगी, फिर ये वाली भी दो बनाएगी, ऐसे ये प्रोडक्शन चलती रहती है रिप्रोडक्शन। अब जब ये तो फेवरेबल कंडीशंस की बात हो गई इतने में, ठीक है, ये हो गए फेवरेबल कंडीशंस की बात। अब आपकी आती है अनफेवरेबल की। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है द अमीबा अंडरगोस फिजन। अंडर अमीबा में भी फिजन होता है, ऐसे ही ब्रेकडाउन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई बनती है, यानी कि बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई बनती है। इसमें बाइनरी में तो दो बनती है, इसमें बनती है मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट डेवलप्स अराउंड द सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है, सेल के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, उस हार्ड कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट, विच डिवाइड्स अगेन एंड अगेन। वो डिवाइड करती है अगेन एंड अगेन फॉर्मिंग मल्टीपल न्यूक्लियाई, वो डिवाइड होती रहती है बार 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 बार, उससे मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेंगी। एंड इट्स साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड्स इन सेवरल पार्ट्स, और उसका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पार्ट्स में। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी उसका डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म भी अलग अलग डिवाइड हो जाता है जितनी मल्टीपल न्यूक्लियाई बनेंगी। इन फेवरेबल कंडीशन, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन की बात हो गई। अब फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, सिस्ट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ही जब इतना काम हो गया, सेवरल न्यूक्लियाई बन गई, तो क्या होता है, सिस्ट ब्रेक हो गया, ओपन होता है और रिलीज कर देता है वो सारी डॉटर सेल्स जितनी भी बनी होती हैं उन्हें रिलीज कर देता है सिस्ट जब ब्रेक हो जाता है। ये सारा काम अंदर ही अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद ये सिस्ट ब्रेक हो जाती है, ओपन हो जाती है, एक तरफ से ओपन हो गई और सारी मल्टीपल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जितनी भी बनती है वो ब्रेक हो जाती है सॉरी रिलीज हो जाती है। अमीबा में टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कैरीड आउट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एट दैट टाइम। अमीबा में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और किस चीज पर डिपेंड करता है कि कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पर कंडीशंस कैसी हैं, फेवरेबल हैं अनफेवरेबल है। अगर फेवरेबल होंगी तो बाइनरी फिजन होगा, अनफेवरेबल होंगी तो कौन सा फिजन होगा, आपका मल्टीपल फिजन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव वॉल लेस यूकैरियोटिक सेल्स, उनके जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें कोई वॉल नहीं होती है। देयर ग्रोथ इज लिमिटेड, इनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है एनिमेलिया किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी, एंड स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, और जब मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद स्टॉप हो जाती है। तो एनिमेलिया किंगडम में हम भी आते हैं ह्यूमन बींग्स, तो उसमें क्या होता है मैच्योरिटी एज आने के बाद उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल, किंगडम एनिमेलिया में जो ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब मोबाइल हैं, यानी कि लोकोमोटरी होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। किस लिए मूवमेंट करते हैं, फॉर ऑप्टेनिंग फूड एंड अदर नेसेसिटीज, जो भी उनकी जरूरतें हैं और खाने को ऑप्टेन करने के लिए, फूड भी जरूरी है ना, तो उसे ऑप्टेन करने के लिए ये मोबाइल होते हैं, लोकोमोटरी होते हैं, मूवमेंट करके ये सभी चीजें गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर क्या है, दे हैव अ फिक्स्ड शेप साइज और सिमेट्री, इनकी फिक्स्ड शेप साइज सिमेट्री सब इनका फिक्स्ड होता है, क्योंकि ग्रोथ लिमिटेड होती है तो इनका सब फिक्स्ड हो जाता है। मूवमेंट अकर इन देम विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मूवमेंट जो होता है इनमें मस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है, मस्कुलर सिस्टम एनिमल में प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से मूवमेंट ऑर्गेनिजम्स कर पाते हैं। देयर न्यूट्रिशन कैसा होता है, उनका होलोजोइक टाइप होता है। न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका, होलोजोइक टाइप होता है, इंजेस्ट करते हैं, डाइजेशन होता है, फिर रेस्पिरेशन, ये सभी प्रोसेसेस होती हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय नर्वस सिस्टम। इन्फॉर्मेशन जो सभी पार्ट्स में जाती है, बॉडी के सभी पार्ट्स में जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो कौन से सिस्टम के थ्रू जाती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू जाती है। दे हैव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है कि पहले सेल होता है, फिर टिश्यू बनता है बहुत सारे सेल्स मिलकर, फिर बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बना लेते हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम एनिमेलिया के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन ब्रेड मोल्ड्स। ब्रेड मोल्ड्स का न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन प्रोसेस बताना है आपको। न्यूट्रिशन कैसे होता है, आंसर देखिए, दे डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, राइजोपस इज सेप्रोफाइटिक। ये डिपेंड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पर, ठीक है, और राइजोपस पर भी डिपेंड करते हैं, इज सेप्रोफाइटिक। दे डिपेंड ऑन डेड एंड, यानी कि जो ब्रेड मोल्ड होते हैं वो जो खाना, जो मटेरियल डेड हो जाता है और डिके हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उस पर डिपेंड करते हैं, और राइजोपस ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, एंड राइजोपस इज सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक होता है ये, ठीक है। द हाइफे ऑफ द फंगस, सेप्रोफाइटिक मीन्स होता है डेड एंड डिकिंग मटेरियल पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। हाइफे ऑफ द फंगस स्प्रेड थ्रू द फूड बाय माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स। जो फंगस का हाइफे होता है, ठीक है, फंगस का जो हाइफे होता है वो डिपेंड करता है, सॉरी, वो स्प्रेड करता है सारे में, कैसे फैल जाता है पूरे फूड में, बाय माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स, जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं उसके थ्रू वो सारे फूड में फैल जाता है। अब ये तो न्यूट्रिशन की बात हो गई, ठीक है, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं और कैसे फैलता है, माइक्रोस्कोपिक ट्यूब से फैलता है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये इनमें एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन पाया जाता है, मीन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द हाइफे ग्रोज इनटू सॉइल एंड एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन बाय हाइफे वॉल्स। हाइफे जो है वो सॉइल में ग्रो करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से, ठीक है, और जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो हाइफे की जो वॉल्स बनी होती है उससे होता है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन का पॉइंट क्या है आपका, दे कैन ऑल्सो एक्सचेंज द गैसेज इन एन ओपन एटमोसफेयर। जरूरी नहीं है कि वो सॉइल से ही अपना एक्सचेंज करें गैसेज का, वो ओपन एटमोसफेयर में भी एक्सचेंज हो सकता है गैसेस का। तो यहाँ पर गाइज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर थ्योरी पार्ट इस चैप्टर का फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में हम करेंगे उस थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए हमारी सारी वीडियोस देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का सारी सीरीज वाइज अपडेटेड है। आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन सून मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।